हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉकेट एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि निपात क्या है। वैसे तो ये एक छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं कई बार वाक्य दे करके और पूछता है कि इसमें निपात क्या है। तो निपात को आपको समझना है, और अगर आप समझ लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। भले ही आपको याद हो ना हो, इसके प्रकार याद होना, लेकिन आप निपात को बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे उसमें कि इसमें निपात है क्या, है ना। अगर आप ये वीडियो भी पूरी देखेंगे तो भी आप बहुत अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले निपात है क्या, परिभाषा और प्रकार इसके हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं इसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ इसको। देखिए, निपात जो वाक्य अर्थ में बिल्कुल नवीनता लाते हैं, निपात उन सहायक पदों को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कि जब भी वाक्य में नवीनता लाने का मतलब आप थोड़ा समझिएगा इसको। जैसे आप कोई वाक्य बोलते हैं, मान लिया मैंने कहा कि हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो ये एक वाक्य हो गया। लेकिन अगर इसी को कभी कभी कहा, आपने देखा होगा, मतलब मैं भी कहती हूँ, सब लोग कहते हैं कि हम भी स्कूल जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर वो उसका भी मतलब वही था कि हम स्कूल जाते हैं, और इसका भी मतलब यही है कि हम भी स्कूल जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर ली गई, वो क्या, हम भी, यानी भी का इस्तेमाल कर लिया गया। तो इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ हैं कि जो नवीनता को प्रदान करते हैं वही निपात होते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं 7 बजे पहुँच गई थी, तो इसका भी मतलब यही है कि मैं 7 बजे। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा और उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कहेंगे कि मैं तकरीबन 7 बजे पहुंच गई थी। तो मतलब ये तकरीबन जो इस्तेमाल हुआ है, ये साधारण वाक्य में अगर आप ना भी बोलते तब भी इसका मतलब यही होता कि मैं इतने बजे पहुँच गई थी। लेकिन अब आपने इस्तेमाल कर लिया कि मैं तकरीबन, तो ये थोड़ा सा इसकी, इसका जो वाक्य है इसकी क्वालिटी को थोड़ा इन्हेंस कर रहा है ना। तो इसलिए ये निपात है। क्यों? क्योंकि ये उसकी गुणवत्ता को बढ़ा रहा है, जो वाक्य आपने लिया उसकी गुणवत्ता को ये बढ़ा रहा है। देखिएगा यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि देखिए पहले में, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना। फिर उसके बाद अगर आप कहें कि मैं भी विद्यालय जाता हूँ, मतलब, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि मैं विद्यालय जाता हूँ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसकी थोड़ा सा इसको और ज़्यादा, मतलब इसमें क्या कहते हैं, इसे नवीनता लाने का प्रयास किया गया, इसकी गुणवत्ता थोड़ी सी बढ़ाने का प्रयास किया गया है इसमें। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि मैं भी विद्यालय जाता हूँ। तो मतलब दोनों का एक ही है, बस इसको क्या किया गया है, थोड़ा सा अलग ये लग रहा है कहने में, है ना। तो जो जिसे आप साधारण वाक्य जो लिखते हैं, उसके अलावा जो इसमें कुछ अगर इस्तेमाल किया जाता है उस वाक्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, तो वो निपात होता है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। जैसे कि ऐसे देखिए ये वाला, कि मैं 7 बजे पहुँच गया था, है ना। तो देखिए फिर से वही चीज़ कही गई कि मैं करीब 7 बजे पहुँच गया था, है ना। तो ये दोनों का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा अपने कहने का तरीका है, होता है ना, अलग होता है। तो बस वही है, अगर कुछ आपको एक साधारण वाक्य में अगर कुछ आपको दिख जाए कि हाँ इसकी वजह से ये वाक्य थोड़ा और ठीक लग रहा है, तो वो निपात होता है, है ना। इसके कुछ प्रकार हैं, चलिए वो भी पढ़ा देती हूँ, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, निपात 9 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आप परेशान मत होइएगा कि ये 9 प्रकार हमें याद कैसे करने हैं। यहाँ पर आपको बस देखना है और थोड़ा सा अपनी समझ को बना लेना है कि कैसे निपात होते हैं, ठीक है, और बाकी आप समझ लेंगे इसको। तो सबसे पहला है कि स्वीकारार्थक। तो स्वीकार का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं। तो हाँ जी, जी हाँ, अगर किसी वाक्य के बीच में, जैसे कोई आपने कहा कि तुम ये काम कर लो, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं कर लूँगी, लेकिन उसको थोड़ा सा और क्वालिटी में करने के लिए कहा जाता है कि हाँ जी मैं कर लूँगी। तो ये हो जाता है क्या, स्वीकारार्थक, यानी हाँ जी जो आया वो क्या हो गया, निपात हो गया। और वैसे भी उस साधारण वाक्य में हम कह सकते थे कि मैं कर लूँगी, लेकिन उसका प्रयोग करके कहा गया, तो ये जो है एक नवीनता हो गई। दूसरा है नकारात्मक। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या होता है ना कि हम कई बार, हम जैसे मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो हम क्या, इसमें अगर निपात आता है तो हमें कुछ मिलता नहीं है ना, कि ये तो साधारण वाक्य, मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो इसमें क्या होगा निपात, इसमें निपात क्या है। लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर कोई नेगेटिव नकारात्मक शब्द आता है, कोई नेगेटिव वर्ड आता है, तो वो क्या होता है, वो नकारात्मक, यानी कि वो निपात ही है, ठीक है। अगर कोई नकारात्मक शब्द आता है वाक्य के बीच में, जैसे नहीं है, अभी और भी आगे पढ़ेंगे,
उस तरह के अगर आते हैं तो वो क्या होता है, वो निपात ही है एक तरह से। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि अगर दिया है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसमें हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो साधारण वाक्य ही लग रहा है, लेकिन उसमें जो नहीं है वो निपात है, ठीक है। तो ये नकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक आपको ये ध्यान में रखना है। और तो बाकी आप समझ लेंगे, कुछ आएगा नया वर्ड तो आप समझ लेंगे, लेकिन इसका नकारात्मक वाले में बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें क्या है। तो अगर नहीं, ना, नहीं, जी, अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या है वो निपात हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आते हैं निषेधात्मक। अब ये भी एक तरह का नकारात्मक कही, देखिए यहाँ पे मत है ना, तो मत का मतलब भी नहीं, मतलब कोई काम मत करो, जैसे किसी ने कहा कि ये मत करो, तो इसका भी इसमें मत जो है वो निपात है, लेकिन कई बार ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें निपात क्या है। तो जब भी कोई नकारात्मक चीज अगर आए तो वो निपात होती है। चौथे में आते हैं प्रश्न बोधक, ठीक है। इसको भी समझिए, इसका भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं तो नहीं समझ में आता है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं पढ़ रहा हूँ मैं निपात क्या है, तो क्या है, क्यों, क्योंकि जो निपात होते हैं वो प्रश्न बोधक भी होते हैं, ठीक है। फिफ्थ पे आते हैं विस्मयार्थक। विस्मयार्थक में होता है काश, क्या, है ना, विस्मय बोधक जिसको कहते हैं, जिसको हम ऐसे कर सकते हैं जैसे बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा हर्ष, या इसी तरह की चीजें वो क्या आती हैं, विस्मार्थक में आती हैं। तो काश है, क्या है, या जैसे अगर हम बोलें कि मेरे पास पैसा होता तो ठीक रहता, लेकिन हम उसको थोड़ा सा क्वालिटी में करने लिए क्या बोलते हैं, काश मेरे पास पैसा होता तो अच्छा रहता। तो ये भी क्या है, काश है, क्या है, क्या, तो पहले ही हमने पढ़ा, तो काश, क्या, ये सब है, ये भी क्या है, निपात है। अब इसको ऐसे ही थोड़ा सा एक बार और समझ लेना, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एक बार ऐसे देख लेना तो बहुत ही आप अच्छा समझ जाओगे। सिक्स पे आते हैं तो वे बलदायक होता है, तो ही, तो भी, है ना, जैसे कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो ही तुम सक्सेस होगे, है ना, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो ही तुम, तो इसमें क्या है, तो ही जो आ रहा है वो निपात है। तुलनार्थक होता है, जैसे कि तुलनार्थक में तुलना की जा रही हो, जैसे वो कोई उस जैसा नहीं है, इसमें स की जगह पर आप जैसा भी कर सकते हैं, है ना, तुम उस जैसे नहीं हो, तो इसमें क्या हो रही है, तुलना, तो इसमें जो सा है यानी जैसा है वो क्या हो गया, निपात हो गया। उस सा कोई नहीं है, उस सा कोई नहीं है, उस सा का मतलब क्या हो गया, इसमें भी आप तुलना कर रहे हो तो सा जो हो गया वो निपात हो गया। अवधारणार्थक होता है, देखिए 8th वाला अवधारणार्थक, यानी इसमें आप अवधारणा दोगे किसी चीज की, जैसे ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, जैसे अभी मैंने बताया ना कि आप किसी जब आप किसी वाक्य को बोलते हो तो आप उसको सिंपल बोल सकते हो, लेकिन कई बार आप उसकी क्वालिटी में बढ़ाने के लिए आप बोल देते हो कि ठीक, बिल्कुल मैं ये कर दूंगी, या लगभग इतने बजे मैं पहुंची, या करीब 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 9 बज रहे थे, जबकि आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, तकरीबन 12 बजे थे, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। 9th पे आते हैं तो होता है आदर सूचक। आदर सूचक में अब क्या, जैसे आप किसी को जी बोल रहे हो, हाँ जी बिल्कुल, तो वो तो हमने पढ़ा ही, स्वीकारार्थक में भी वो वही चीज़ है, ठीक है। तो बस ये कुछ हैं, और कुछ देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, अगर आप इसके आंसर्स दे लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया है। पहला है कि मैं भी स्कूल जाऊंगा, इसमें निपात आपको देखना है, बिल्कुल भी, क्योंकि क्या है, मैं स्कूल जाऊंगा वैसे भी हो सकता था, लेकिन उसमें भी का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर क्या है, निपात क्या हो गया, भी हो गया। तुम उसका काम मत करो, इसमें क्या निपात है, बिल्कुल इसमें निपात है मत, है ना, तुम उसका काम मत करो, इसमें निपात क्या हो जाएगा, मत, ठीक है। काश मैं घर पर रहता, इसमें निपात क्या होगा, बिल्कुल इसमें निपात हो जाएगा काश, ठीक है। मैं करीब 7 बजे चला गया था, इसमें क्या निपात है, बिल्कुल करीब, क्यों, क्योंकि आप इसको वैसे ही बोल सकते हैं, मैं 7 बजे चला गया था, लेकिन आपने इसमें करीब का इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि आप वाक्य में नवीनता लाने का प्रयास कर रहे थे, उसकी क्वालिटी को आप बढ़ाना चाह रहे थे, तो आपने करीब का इस्तेमाल किया, इसलिए करीब क्या है, निपात है, ठीक है। अगर आपके 4 में से कितने सही हैं आप मुझे कमेंट में बताना, और अगर 4 में से 4 सही हैं फिर आप मतलब निपात में, आप निपात में आपको दिक्कत नहीं होगी, निपात आपको समझ में आ गया है, ठीक है।
तो बस मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आती रहती है। ठीक है, चलो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।